नमस्ते, मेरा नाम उपासना है। रात के 8:30 बज चुके हैं और हमारे चैनल पर लगातार कहानी सुनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज की कहानी बड़ी अजीब है, जहां एक शादीशुदा महिला अपने पति की मर्दानगी से नाखुश होकर एक युवक के साथ संबंध बनाती है। फिर कुछ दिनों बाद उसे ऐसी लत लगी कि उसके 3 आशिक हो गए और तीनों के साथ वो रंगरलियां मनाती है, लेकिन बाद में जो हुआ वो आपको परेशान कर देगा। माला नाम की महिला भले ही उम्र 30 पार कर चुकी थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि वो 24 से 25 साल से अधिक की नहीं लगती थी। एक बच्चे की मां बनने के बावजूद उसकी सुंदरता और चंचलता में कोई कमी नहीं आई थी। वो जिसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी वो उसका दीवाना हो जाता था। सरोज उपेंद्र कामती नाम का एक युवक काफी दिनों बाद मुंबई से अपने गांव आया था। एक दिन जब वो गांव के लोगों और अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकला तो अचानक उसकी नजर अपने दोस्त राजेश के दरवाजे पर खड़ी माला से लड़ गई। उसने माला को देखा तो देखता ही रह गया। राजेश उस वक्त घर में नहीं था। सरोज कामती औरतों के मामले में काफी अनुभवी था। वो माला के हाव भाव देखकर काफी कुछ समझ गया, लेकिन वो चूंकि उसके दोस्त की पत्नी थी इसलिए वो बिना उससे बात किए अपने घर वापस लौट आया। फिर दूसरे दिन वो राजेश के घर पहुंच गया। माला उस वक्त घर में अकेली थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा माला ने ही खोला। सरोज कामती को आया देख वो चौंकी। वो कुछ कहती इसके पहले ही सरोज ने अपना परिचय देकर कहा, मेरा नाम सरोज है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। राजेश मेरा दोस्त है। मुंबई में रहने की वजह से कभी कभी गांव आना होता है, गांव वालों से मिलना जुलना भी कम ही होता है। सरोज घर के अंदर आ गया। माला ने उससे उसके काम धंधे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मुंबई में उसकी खाने पीने के सामान की दुकान है, जिससे उससे अच्छी भली कमाई हो जाती है। उसने माला को मुंबई की खूबसूरती बताई। सरोज को लंबा चौड़ा बखान करता देख माला बोली, ये सब मुझे बताने से क्या फायदा, मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि मैं मुंबई जैसा खूबसूरत शहर देखूं। बस बच्चों, पति और घर परिवार में ही जिंदगी गुजरती जा रही है। सरोज की बातों में मायूसी भरी चाहत थी। सरोज ने अच्छा मौका देखकर उसकी भावनाओं को भड़काने के लिए कहा, इतना मायूस मत होइए भाभी, आप चाहें तो मैं आपको मुंबई घुमा सकता हूँ, एक एक चीज दिखाऊंगा आपको। कुछ पाने के लिए कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं, मुंबई देख लिया तो सब भूल जाओगी। वैसे भी तुम्हारी जैसी खूबसूरती को शहर की शान होना चाहिए, यहाँ गांव में क्या रखा है। माला सरोज की नजरों में चढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो वो लाइन पर आ जाएगी, इसलिए वो इसी कोशिश में लग गया। उस दिन के बाद सरोज माला से मिलने रोज उसके घर जाने लगा। वो ऐसे समय पर जाता जब उसका पति खेतों पर गया होता और बच्चे स्कूल। माला को भी वो अच्छा लगने लगा था और उसकी बातें भी। नतीजतन जल्द ही दोनों एक दूसरे से खुल मिल गए। दोनों के बीच पहले प्यारी प्यारी बातें, छेड़छाड़ और हंसी मजाक शुरू हुई। ऐसे में दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आखिर वही हुआ जो सरोज चाहता था। माला उसकी बाहों में आ गई। उसके बाद रोजाना शारीरिक सुख का खेल शुरू हो गया। माला सरोज कामती के रंग में कुछ ऐसी रंगी कि घर परिवार और बच्चों को छोड़कर उसके साथ मुंबई जाने को तैयार हो गई। मौका मिलते ही वो उसे भगाकर अपने साथ मुंबई ले आया। सरोज उपेंद्र कामती मूलतः बिहार के जिला दरभंगा के गांव विल्लौर का रहने वाला था। सरोज का विवाह बचपन में ही रिंकू से हो गया था। सरोज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो मुंबई चला आया। कुछ दिनों तक वो अपने गाँव वालों के साथ रहकर अपने लिए नौकरी ढूंढता रहा। जब उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वो अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल के सामने इडली सांबर, मसाला डोसा और बड़ा पाव की दुकान लगाने लगा। जल्द ही सरोज की अच्छी कमाई होने लगी। फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी मुंबई ले आया था। गांव जाकर सरोज सभी से मिलता था। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात माला से हुई थी। सरोज के सामने उसे अपना सीधा सादा पति राजेश बहुत कमजोर लगता था, इसलिए वो 2010 में अपने पति और बेटे को छोड़कर सरोज के साथ मुंबई चली आई थी। लेकिन जब उसे पता चला कि सरोज कामती अपने बीवी बच्चों के साथ उसी चौल के आगे वाले हिस्से में रहता है,
वो पर कटे पक्षी की तरह फड़फड़ाकर रह गई। लेकिन अब क्या हो सकता था, अब दोनों के बीच झगड़े होने लगे। जब बात बढ़ी तो सरोज कामती शराब पीकर माला के साथ मारपीट करने लगा। उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर माला को अपना पति, गांव और बच्चे की याद आने लगी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरोज कामती उसके लिए एक मजबूरी बन गया था। वो हर रात शराब के नशे में माला के पास आता, उसके साथ मौज मस्ती करता, वो कुछ कहती तो उसके साथ मारपीट करता। जिस कमरे में माला रह रही थी उसके ठीक सामने वाले कमरे में महेश और सुरेश रहते थे। ये दोनों शादीशुदा थे लेकिन इनकी पत्नियां गांव में रहती थी। माला के साथ होने वाली ज्यादती को देखकर सुरेश और महेश ने उससे सहानुभूति जतानी शुरू कर दी। समय पड़ते समय पर उसकी आर्थिक मदद भी करते थे। सरोज कामती से परेशान माला को जब सुरेश और महेश की सहानुभूति मिली तो धीरे धीरे उसका झुकाव उन दोनों की तरफ हो गया। नतीजा ये हुआ कि जिस तरह माला सरोज कामती के करीब आने के बाद अपनी सारी मर्यादाएं भूल गई थी, उसी तरह उसने अपने और सुरेश व महेश के बीच की सारी दीवारें तोड़ दी और जल्द ही उसके महेश और सुरेश के साथ संबंध बन गए। जब सरोज कामती अपने काम पर चला जाता तो मौका देखकर सुरेश और महेश कभी अपने घर में तो कभी माला के घर में जाकर उसके साथ मौज मस्ती करते। 2 साल तक ये सब कुछ चला। बाद में जब सुरेश और महेश के माला से आंतरिक संबंधों की जानकारी सरोज को मिली तो वो माला के प्रति और भी ज्यादा क्रूर हो गया। अब माला की सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। आखिरकार एक दिन उसने सुरेश और महेश से कह दिया कि वो अब सरोज कामती को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3 नवंबर 2013 को दीपावली थी। इस दिन फिर उसके साथ सरोज ने मारपीट की थी। ये बात पता चलते ही सुरेश के तन बदन में आग सी लग गई। महेश सुरेश ने आपस में बात करके फैसला किया कि जैसे भी हो सरोज को अपने और माला के बीच से हटा दिया जाए। उन्होंने अपने मन की बात माला को बताई तो वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। फिर 6 नवंबर 2013 को सुबह के लगभग 8 बजे दो युवक जोगेश्वरी के ओसीवारा पुलिस थाने पहुंचे और ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर को बताया कि वे लोग जिस कमरे में रहते हैं उसके ऊपर वाले कमरे में कुछ गड़बड़ है। 2 दिनों पहले उनके कमरे की लकड़ी की छत से खून की कुछ बूंदें टपकी थी और अब उस कमरे से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है। पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने देखा कि उन्होंने जिस कमरे का जिक्र किया था उसके दरवाजे पर ताला लटक रहा था। उस कमरे का ताला तोड़वाया गया तो अचानक तेज दुर्गंध का झोंका आया। अंदर जाकर देखा तो पुलिस टीम स्तब्ध रह गई। कमरे में एक आदमी का निर्वस्त्र शव पड़ा था जिसमें से सड़न शुरू हो चुकी थी। लाश के आसपास ढेर सारा खून फैला था जो सूख चुका था। मृतक के सिर पर गहरा घाव और गले में नीला निशान था। लग रहा था कि उसकी हत्या सिर पर किसी वजनी चीज से प्रहार करके और गला दबाकर की गई थी। थोड़ी देर बाद मृतक की पत्नी रिंकू अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गई। उसने रोते विलखते बताया कि मृतक उसका पति सरोज है। रिंकू ने अपने पति की हत्या का आरोप सीधे सीधे माला पर लगाया। पूछताछ में ये बात भी पता चली कि माला दीपावली के दूसरे दिन से गायब है। ये भी जानकारी मिली कि माला के बाजू वाले कमरे में रहने वाले दो युवक सुरेश और महेश भी शामिल हैं। इसके बाद मृतक सरोज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने टीम गठित की। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही कामयाबी भी मिल गई। महेश को अंधेरी में उसके एक दोस्त के यहां से गिरफ्तार कर लिया गया। महेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उससे पता चला कि सुरेश और माला हत्या के बाद अपने अपने गांव भाग गए थे। फिर 12 नवंबर 2013 को मोबाइल फोन की लोकेशन से सुरेश को इलाहाबाद स्टेशन के मुसाफिर खाना से गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन माला नहीं मिली। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उन दोनों की माला से अवैध संबंध थे, इसी वजह से सरोज कामती माला को प्रताड़ित करता था जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए उन लोगों ने उसके साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। सुरेश के अनुसार 4 नवंबर 2013 को दीपावली के दूसरे दिन सरोज कामती शराब के नशे में घर आया और सो गया। ये बात माला ने फोन करके उन्हें बताई तो वे बिना देर किए उसके पास पहुंच गए और घात लगाकर हत्या कर दी और तीनों फरार हो गए। माला अभी भी फरार है।